हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चना दाल फ्राई और जीरा राइस। चना दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल लेंगे 2 कप। 2 कप दाल को लेकर अच्छी तरह से इसे धो लें। 4-5 पानी से धो करके ले ली हूँ। देखिए, अब इसे एक कुकर में डाल देंगे। 2 कप चने की दाल में 6 कप पानी लगेगा। अगर आप 1 कप बनाते हैं चने की दाल, तो उसमें 3 कप पानी डालें, क्योंकि दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, जिससे कि क्योंकि दाल हल्की पतली बनती है। अगर आप इतना 2 कप में 6 कप पानी डालेंगे, तो आपकी दाल ना ज़्यादा पतली बनेगी ना ज़्यादा गाढ़ी। बिल्कुल सही तरीके से दाल बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसे फुल फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे गैस पर ही। 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दें। देखिए, गैस पर रख दी हूँ मैं। अब फुल फ्लेम पर 1 सीटी आएगा और लो फ्लेम पर 10 मिनट छोड़ दें। इसको पकने में टाइम लगता है, इसलिए ध्यान रखें। अब मसाला देख लेते हैं। मसाले में 5 लहसुन की कली, 2 मीडियम साइज का प्याज और 2 टमाटर लिए हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सभी को काट कर ले ली हूँ। अदरक को ग्रेट कर दी हूँ और लहसुन को 3 लहसुन की कली को ग्रेट कर ली हूँ और 2 लहसुन की कली ऐसी है और टमाटर काट ली हूँ। अब देखिए, मसाले में 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी और ले लें। 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये होममेड गरम मसाला है, आप कोई भी गरम मसाला यूज कर सकते हैं। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर दाल उबलने में भी ली हूँ, इसलिए अभी बस 1 चम्मच लेंगे। अब गैस ऑन कर दें और कढ़ाई रख दें। कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे। मैं सरसों तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड में या घी में भी बना सकते हैं। अब इसमें जीरा डाल दें। जीरा थोड़ा चटक जाने के बाद इसमें 2 लहसुन की कली, जिसे मैं छील कर रखी थी, वो डाल देंगे और 2 लाल मिर्च और 2 तेज़पत्ता और 1/2 चम्मच अदरक, जिसे ग्रेट करके ले ली हूँ, उसे डालकर हल्का सा इसे चला दें। उसके बाद इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। इस समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, वरना सारे मसाले जल जाएंगे। अब प्याज डालकर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे इसका कलर हल्का चेंज होने देंगे। उसके बाद इसमें और मसाले डालेंगे। देखिए, प्याज हमारा भुन गया है, हल्का रेड जैसा हो गया है। अब इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले जो बची हुई लहसुन और अदरक का था पेस्ट, वो डाल करके थोड़ा भून ली हूँ 1 मिनट। उसके बाद इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसाले डालकर इसे अच्छी तरह से चला दें, बस 1 मिनट के लिए। इस समय गैस बिल्कुल लो रखें, वरना मसाले जल जाएंगे। अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर को डालकर अच्छी तरह से मिला दें। टमाटर को गलने के लिए थोड़ा नमक डालेंगे। अभी 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि दाल को उबलने में भी नमक डाली थी, इसलिए अभी कम नमक डालें। नमक डालते समय ध्यान दें। 1/2 चम्मच नमक इसलिए डाली हूँ ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। देखिए, टमाटर हमारा सॉफ्ट होने लगा है।
उस तरह से टमाटर को मैश करते हुए इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इधर दाल देख लेते हैं। देखिए दाल किसी थी निकल गया है गैस। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह से पका है कि नहीं। दाल हमारा बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है। इसको इस तरह से मिक्स कर लें क्योंकि अभी थोड़े दाल अलग अलग से हैं। अगर उसे मिक्स कर देंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तब अच्छा दाल तड़का बनकर तैयार होगा। इसे इस तरह से आप कलछुल की हेल्प से मिक्स करें या फिर आपके पास मिक्सर है तो मिक्स करने वाला तो उससे मिक्स कर लें। इस तरह से देखिए घुमाते हुए मिक्स कर लें, नहीं तो कलछुल से भी मिक्स हो जाएगा। देखिए मैं दाल को अच्छी तरह मिक्स कर ली हूँ और उधर हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है। देखिए मसाला तैयार हो चुका है, अब इसमें दाल डाल देंगे। इसमें दाल डालकर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसे 5 मिनट के लिए उबालेंगे। दाल को 5 मिनट अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर उबलने दें ताकि दाल और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मसाला का सारा फ्लेवर आ जाए दाल में। तो इसे 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से उबालेंगे। देखिए दाल में अच्छा से उबाल आने लग गया है। तब तक इधर मैं थोड़ा सा आलू फ्राई भी बना ली हूँ। देखिए आलू फ्राई बनकर तैयार हो चुका है। इसका वीडियो मैं शेयर नहीं की हूँ। अगर आपको आलू फ्राई की वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, फिर मैं आलू फ्राई का वीडियो बनाऊँगी। देखिए अब दाल बनकर तैयार हो गया है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आलू फ्राई का वीडियो बनाएं। दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है, अब इसे सर्व करेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें। बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई है। अब इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और सर्व करेंगे। पर इसके साथ मैं जीरा राइस भी बना रही हूँ, इसलिए राइस की रेसिपी भी इसी में शेयर कर रही हूँ। राइस बनाने के लिए मैं 2 कप राइस ली हूँ। 2 कप राइस ली हूँ और 1 कप राइस में 2 कप पानी डालें, इसलिए 2 कप राइस में 4 कप पानी डालेंगे। चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे। धो करके कुकर में डाल दें। आज कुकर में चावल बनाने के लिए देखेंगे। एक कप चावल में 2 कप पानी डालें। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए ज़्यादा पानी डाल रही हूँ। आप अगर चावल कम बना रहे हैं तो कम पानी डालें। 1 कप बनाएं तो 1 कप में 2 कप पानी डालें। 2 कप से बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालें वरना आपके चावल गीले बन जाएंगे। तो चावल में पानी डाल दी हूँ, उसके बाद गैस ऑन कर दी और इसका ढक्कन बंद करके इसमें 1 सीटी आने देंगे। फुल फ्लेम पर 1 सीटी आ जाएगा तो हमारा चावल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए चावल बन गया है। अब चावल को जीरा राइस बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालकर घी थोड़ा गर्म हो जाने के बाद उसमें 1 चम्मच जीरा डाल दें। जीरा थोड़ा चटक जाए तो 1 प्याज मीडियम साइज का ले ली हूँ, जिसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट दी हूँ। उसे काट कर हल्का बस ब्राउन करना है, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है।
उसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दें ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। देखिए बस हमारा तैयार हो गया, प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया। देखिए चावल कितना अच्छा खिला खिला बना है कुकर में। अब उसमें प्याज में चावल डाल देंगे। इसमें चावल डालकर इसे हल्का सा बस 1-2 मिनट के लिए इसे चलाते हुए मिक्स कर देंगे। इसमें आधी चम्मच नमक डाल दें, क्योंकि चावल को उबालते समय मैं नमक नहीं डाली थी इसलिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से। फिर हमारा जीरा राइस बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा चावल बनकर तैयार हुआ है। आप चाहें तो प्लेन चावल के साथ भी दाल और चावल खा सकते हैं, और अगर चाहें तो इस तरह से जीरा राइस बनाकर जीरा राइस और चने की फ्राई दाल के साथ खाएं। देखिए बहुत ही अच्छा जीरा राइस बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें प्याज डालें, नहीं तो अगर प्याज नहीं खाना पसंद करते हैं तो प्याज नहीं डालें, प्याज को स्किप कर दें। इस तरह से हमारा चावल बनकर तैयार हो गया। अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे, चावल दाल और आलू फ्राई। फ्राई दाल के साथ सब्जी का कोई टेस्ट नहीं आता है, इसलिए इसमें आलू फ्राई ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप भी अपने घर में इस तरह से बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।